वेलकम टू अमिक रेजर का, मेरा नाम है अमृत। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसे पैक को बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो ना केवल आपके फेस को चमकाएगी बल्कि आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी चमकाएगी। बाकी बॉडी पार्ट्स यानी कि घुटने, कोनी, गर्दन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे नॉर्मल स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क हो जाती है, तो इन बॉडी पार्ट्स को भी आप इसी तरीके से चमका सकते हैं। ये पैक को हमने बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बनाया है और बहुत ही गजब का ये काम करता है। और इस पैक को कोई भी स्किन टाइप वाले लोग लगा सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन, एक्ने वाली स्किन, पिंपल्स वाली स्किन भी इस पैक को लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस गजब की रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत लगेगी। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है बेसन। बेसन क्या करता है दोस्तों? बेसन जो है हमारे चेहरे का रंग साफ करता है, साथ ही हमारी स्किन को मुलायम बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इस पैक को हम मिलाने वाले हैं क्यूकम्बर के जूस से, यानी कि खीरे के जूस से। इस पैक को मिलाने के लिए हमें केवल आधे ही क्यूकम्बर का जूस लगने वाला है। खीरा जो है हमारी स्किन में ठंडक लाता है, साथ ही साथ जो धूप से हमारी स्किन टैन हो गई होती है उसे भी क्लीन करने का और टैनिंग दूर करने का काम करता है खीरे का रस। आपकी स्किन से कील मुहासों की परेशानी को भी दूर करता है और साथ ही साथ हमारे जो गर्दन में या शरीर के जो बाकी हिस्सों में जैसे कोहनी, हमारे घुटने में जो कालापन आ जाता है हमारे अंडर आर्म्स में, तो वो भी दूर करने का काम करता है खीरे का रस। खीरे में 96% पानी रहता है, इसीलिए हमारे स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इस पैक को, जो पैक हम बना रहे हैं, उस पैक को अगर आप लगाते हैं दोस्तों तो आपकी स्किन में नमी बरकरार रहेगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, साथ ही साथ रूखी बेजान त्वचा में भी जान लेकर आएगा ये पैक। यदि हम खीरे का रस इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डार्क सर्कल की परेशानी भी दूर होती है। अगर कुछ नहीं तो खीरे के टुकड़े कर लीजिए दो और अपनी आंखों पर इसे रख दीजिए, आपकी आंखों की जो डार्क सर्कल्स हैं वो सारे ही गायब हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी आंखों में ठंडक भी मिलेगी आपको। तो खीरे को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, इसे स्क्वीज करके यानी कि छन्नी में छान करके भी इसका रस आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसका रस निकल जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें 96% पानी होता है। मिक्सर ग्राइंडर में नहीं तो मेरी तरीके से जैसे मैंने ग्रेट किया है उस तरीके से ग्रेट करके भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इसका जूस अलग हो रहा है। खीरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारे स्किन को चमकदार बनाए रखता है। खीरे से हमारी स्किन जो है हेल्दी, ग्लोइंग और साथ ही साथ स्मूथ भी रहती है। अगर आपके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां आने लग गई है तो उसे भी दूर करने का काम करता है खीरा। तो ये देखिए आधे खीरे का रस कितना सारा हमने निकाल लिया है। अब इस खीरे के रस को पूरा हम बेसन में मिला लेंगे। दोनों ही चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिला लें। ध्यान रहे कि इसमें लम्ब्स बिल्कुल भी ना रहे। इस पैक को दोस्तों आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं, आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। यकीन मानिए दोस्तों इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपके आसपास वाले भी आपसे पूछने लगेंगे कि ऐसा आप क्या लगा रहे हैं स्किन पे कि इतना आपका स्किन ग्लो कर रहा है। बेसन और खीरे के जूस को मैंने अच्छे से मिला लिया है। जो अगला इंग्रेडिएंट हम इसमें मिला रहे हैं, जो आखिरी इंग्रेडिएंट है, वो है नींबू का रस। तो बस 4 से 5 बूंदे नींबू के रस की मैंने यहाँ पे मिलाई है। अगर आप चाहें तो बेशक नींबू के रस को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो। अगर इसकी जगह पे आप डालना चाहें तो आप टमाटर का जूस डाल सकते हैं अगर नींबू का रस नहीं डाल रहे तो। नींबू के रस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में हमारी मदद करता है। जितने भी सारे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क एरियाज हैं हमारी बॉडी की, वो सारी लाइटन हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है और साथ ही इसका एंड रिजल्ट भी आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट हमें मिला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप के, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस रेमेडी को चाहे आप इस तरीके से ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप चाहे तो अपनी उंगलियों की, हाथों की मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसानी से हमने पैक केवल 3 ही चीज़ों से बनाया। हमने बेसन, क्यूकम्बर जूस और हमने इसमें लेमन मिलाया है, या फिर आप चाहें तो टमाटर का जूस मिला सकते हैं, जो आप चाहें दोनों में से एक आप मिला लें। और बस 3 इन्ग्रीडियंट से हमारा ये जो पैक है बिल्कुल तैयार हो गया है।
अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने हैं, पिंपल्स हैं, तो ये एक्सेस ऑयल को खींच लेता है और साथ ही ये पैक जो है हमारी स्किन पर नमी बनाए रखने में मदद करता है। हफ्ते में केवल आपको अपने स्किन को 15 मिनट ही देने हैं दोस्तों। 15 मिनट में ये आपके स्किन पर गजब का काम करने वाला है। इस पैक को लगा करके आप 15 मिनट रखें, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे धो लें। हफ्ते में एक बार एक महीने के लिए इस पैक को आप लगातार लगाएं। आपकी स्किन की टेक्सचर में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, साथ ही आपकी स्किन जो है लाइटन हो जाएगी, पहले से ब्राइटन हो जाएगी, ग्लोइंग बनेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नींबू इसमें ज़रूर मिलाएं, कम से कम 2 से 3 बूंदे नींबू के रस की ज़रूर मिलाएं, क्योंकि हमारी स्किन को लाइटन करता है, डार्क एरियाज को भी हमारी स्किन पे लाइटन करने का ये काम करता है। और अगर आपको नींबू का रस सूट नहीं करता है तो उसकी जगह पे आप टमाटर का रस भी इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस पैक को ऐसे लगा के उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले, अगर आप चाहें तो इसे नहाने से पहले लगा सकते हैं, उसके बाद आप नहा सकते हैं, नॉर्मल जैसे आप नहाते हैं वैसे आप नहा ले और 15 मिनट के बाद आप वॉश कर ले। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक ही बार के इस्तेमाल से आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और साथ ही अगर आप एक महीने के लिए हर हफ्ते इसे यूज़ करते हैं तो आपको गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस पैक को मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और मेरे साथ ही कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।